नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बाय फाइंड आपको करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की। कई सारे लोगों के क्वेश्चन हमें आते हैं कि सर, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स क्या होता है, ये इससे आरसीएमसी किस तरीके से लेना है, उसकी फीस कितनी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का रोल क्या है एक्सपोर्ट के अंदर। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक होता है ईपीसी और एक होता है कमोडिटी बोर्ड, तो दोनों ही एक ही तरीके से काम करते हैं। कमोडिटी बोर्ड कमोडिटीज के लिए बनाए गए और कई सारे प्रोडक्ट के लिए ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई गई है। तो आज इन सारे ईपीसी के बारे में जानेंगे कि कौन सा ईपीसी कौन से प्रोडक्ट के लिए है और कमोडिटी बोर्ड जो है कौन से प्रोडक्ट के लिए है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको ये सारा चीजें कंप्लीटली समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें ईपीसी की, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और उसी के साथ में होते हैं कमोडिटी बोर्ड। 20 से 21 ईपीसी गवर्नमेंट ने बनाई है, 7 से 8 कमोडिटी बोर्ड भी हमारे हैं। तो यहाँ पे दोनों का ही एक ही काम है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का, मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम ईपीसी या कमोडिटी बोर्ड यहाँ पे करते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, गवर्नमेंट ने कुछ डेडिकेटेड बॉडीज बनाई है कई सारे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। मतलब इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट को कवर करने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट इनके अंदर कवर होते हैं, पर मैक्सिमम प्रोडक्ट को ईपीसी के अंदर कवर किया गया है। उनके लिए एक डेडिकेटेड बॉडी बनाई गई है जो उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करती है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा, लेट्स सपोज आप लेदर प्रोडक्ट में डील करते हैं तो लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाया, आप हैंडीक्राफ्ट में डील करते हैं तो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाया, आप अगर सिल्क प्रोडक्ट में डील करते हैं तो सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ईपीसी जो है गवर्नमेंट ने बनाई, जिनके अभी हम स्टेप बाय स्टेप सारी ईपीसी को चेकआउट भी करेंगे कौन कौन सी ईपीसी है। तो ईपीसी का काम क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ईपीसी का काम है आपके प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का। अब ये कैसे उसको प्रमोट करती है, ईपीसी जो है फॉरेन ट्रेड फेयर को ज्वाइन करती है सबसे पहले, तो वहां पे आपको लेके जाती है फॉरेन में और गवर्नमेंट से वहां जाने पे आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट विदेशों में जाता है, वहां पे आपके प्रोडक्ट को स्टॉल पे लगा के डायरेक्टली बायर को सेल किया जाता है और बायर सेलर की मीटिंग कराने में भी आपकी मदद करती है। मतलब ये डेलीगेशंस भी लेके जाते हैं, ट्रेड फेयर में भी आपको लेके जाते हैं, डेलीगेशन भी लेके जाते हैं, B2B मीटिंग करवाते हैं, कई सारे ट्रेड फेयर से डेटा लाते हैं बायर्स का, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कई सारे ईपीसीज के या कमोडिटी बोर्ड के पास डायरेक्टली बायर की भी रिक्वायरमेंट आती है जो भी आपको दी जाती है। तो इस तरीके से ये आपके प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करते हैं, आपको एक्सपोर्ट में सपोर्ट करने का काम सीधा सीधा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स या कमोडिटी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। अब इससे जो सर्टिफिकेट लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो इनसे जो मेंबरशिप ली जाए उसको बोला जाता है आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो आरसीएमसी क्या होता है, ईपीसी के द्वारा दी जाने वाली मेंबरशिप एक तरीके की, जो कि अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के लिए हो सकती है। कई सारे ईपीसीज में वन फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है ये वैलिड होता है, कई सारी जो आरसीएमसीज होती है वो 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। जैसे एग्रो का एपिडा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसका जो आरसीएमसी है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। बट अगर दूसरे ईपीसीज की बात करें, मेनली ईपीसीज का जो है 1 ईयर के लिए, 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका आरसीएमसी वैलिड होता है। तो इस तरीके से ये सब ईपीसीज है दोस्तों। अब हम कंप्लीटली ईपीसी चेकआउट कर लेते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सी ईपीसी गवर्नमेंट ने बनाई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो हम सिखाने आ गए हैं आपको, लेके आए हमारा एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम कंप्लीटली बताते हैं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड करना है। लाइव बायर फाइंडिंग हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें सीधा बायर आपको ढूंढना बताया जाएगा, डायरेक्टली बायर से कॉन्टेक्ट करिए, अपना प्राइस उसको दीजिए और डायरेक्टली एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर हो जाइए। यहां पर सीधा सीधा आपको बायर फाइंडिंग बताया जाएगा, प्रैक्टिकल वर्किंग आपको बताई जाएगी कि किस तरीके से एक्सपोर्ट में प्रैक्टिकली वर्किंग करके आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम या 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा राजस्थान में आके। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पर नंबर पर कॉन्टेक्ट करते हैं।
तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पूरी ईपीसी के बारे में कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सी ईपीसी या कमोडिटी बोर्ड आपको लगेगा या कौन सी का मेंबरशिप आपको लेना रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अपीरियल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की। अगर आप जो हैं रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, अपीरियल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको यहां पे एईपीसी अपीरियल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का आरसीएमसी लेना पड़ेगा। अगर आप केमिकल प्रोडक्ट में हैं तो यहाँ कॉस्मेटिक, सॉफ्ट, टॉयलेटरीज और एसेंशियल ऑयल, स्पेशलिटी केमिकल या लुब्रिकेंट्स वगैरह में आप डील करते हैं तो आपको कैमेक्सिल का CHEMEXCIL कैमेक्सिल का आरसीएमसी यहाँ लेना रहेगा। उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जो कारपेट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। उसके बाद कैशू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। उसके बाद कैपेक्सिल है, जो भी आपके केमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट, एलाइड प्रोडक्ट को जो है कवर करती है। उसके बाद काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट है, CLE। तो CLE का काम है आपके लेदर के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। तो अगर आप लेदर एक्सपोर्ट बिजनेस में, तो आपको काउंसिल्स ऑफ लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशंस का काउंसिल्स का जो है सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो अगर आप सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वगैरह में हैं, आपको इसका जो है सर्टिफिकेट यहां पे लेना पड़ेगा, ESC का सर्टिफिकेट या आरसीएमसी आपको लेना रहेगा। उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में हैं तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी लेना है। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर EOUs एंड सेल्स यूनिट, जो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है, उनके लिए भी आपको अलग से भी एक ईपीसी प्रोवाइड कराई गई है। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स अगर प्रोडक्ट में आप डील करते हैं तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट आपके लिए बनाई गई है, जो हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए ईपीसी बनाई है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। ऑयल सीड, जितने भी ऑयल सीड है उनके लिए भी एक ऑयल सीड एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई गई है। जूट प्रोडक्ट लिए जूट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है यहाँ पे बनाई गई है। उसके बाद मोबाइल एंड डिवाइस प्रोडक्ट के लिए मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई गई है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए फार्मेक्सिल आपका यहाँ पे है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई गई है। उसके बाद पावर लूम डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई है। उसके बाद है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, जब आप कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कोई बाहर प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसके लिए भी आपकी PEPC है। उसके बाद सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में तो SCPC की मेंबरशिप ले सकते हैं। शीलेक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आपके लिए है। स्पोर्ट्स गुड्स के लिए स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनी हुई है। द कॉटन टेक्सटाइल एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स कॉटन प्रोडक्ट के लिए है। हैंडलूम प्रोडक्ट के लिए आपका हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई गई है। सिल्क प्रोडक्ट के लिए द इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का आप RCMC ले सकते हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आप लेंगे। उसके बाद सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई गई है। एंड वूल एंड वुलन प्रोडक्ट के लिए वूल एंड वुलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स यहां बनाई गई है, जो कि WWEPC के नाम से जानी जाती है। इसके बाद कुछ कमोडिटी बोर्ड आ जाते हैं। तो सबसे पहला कमोडिटी बोर्ड और सबसे मेजर बोर्ड ये है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज द एपीडा। और एपीडा जो है मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जो भी आपके फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट है जिसके अंदर फ्लोरिकल्चर आ जाता है, एग्रो प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोसेस फूड आ जाता है, प्रोसेस मीट आ जाता है, या और भी दूसरे डेयरी प्रोडक्ट आ जाते हैं, ये सब प्रोडक्ट जो है एपीडा की वेबसाइट से आप चेकआउट कर सकते हैं। एपीडा प्रोडक्ट लिस्ट देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट आपके उसके अंदर कवर होते हैं, तो एपीडा का आरसीएमसी उसके अंदर लगेगा। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कोकोनट के एक्सपोर्ट के लिए बनाई गई है। कॉयर बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, रबर बोर्ड एंड स्पाइसेस बोर्ड भी है, जो स्पाइसेस के एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, तो स्पाइसेस बोर्ड की मेंबरशिप आपको लेनी है। इसके बाद टी बोर्ड है, मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एमपेडा इसको बोला जाएगा, तो मैरीन प्रोडक्ट से रिलेटेड। और टोबेको बोर्ड है, जो कि टोबेको प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको आरसीएमसी इसका लेना रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों गवर्नमेंट ने मल्टीपल जो है ईपीसी और मल्टीपल जो है कमोडिटी बोर्ड बनाए हैं कि आपके प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करते हैं। बात कर लेते हैं कि फीस कितनी रहती है। तो मिनिमम फीस 1500 रुपए से चालू होकर 12,000-13,000 तक जा सकती है। डिपेंड करता है आप कौन से ईपीसी का आरसीएमसी या कमोडिटी बोर्ड का आरसीएमसी आप लेना चाहेंगे। जैसे 6,000 रुपए एपीडा की फीस है, गवर्नमेंट फीस 6,000 रुपीज है, तो उसमें 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको एपीडा मिल जाता है। 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको स्पाइसेस बोर्ड मिल जाता है, पर उसकी फीस 12,000 रुपए तक जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से ईपीसी में या कमोडिटी बोर्ड में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उसी हिसाब से जो है आपको जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की फीस लगेगी। अलग अलग जो है ईपीसी या कमोडिटी की फीस अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया भी उसका है। मैन्युफैक्चरर के लिए अलग फीस है, मर्चेंट के लिए अलग फीस है, तो आपको यह भी यहां पे चेकआउट करना रहता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको सिखाते हैं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, क्या प्रोसीजर है,
क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से दी जाती है। तो सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम या ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोटा राजस्थान में भी आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन या ईपीसी या कमोडिटी बोर्ड की आपको मेंबरशिप लेनी है उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी पेड कंसल्टेंसी भी आप उसमें ले सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।